हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम बैक टू ओपन स्टडी आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी प्यारे से परिवार ओपन स्टडी में इतना प्यार आप लोग देते हो तो दिल तो दिल खुश होता होता ही है पूरी एनर्जी का माहौल बन जाता है कि हाँ भाई आपको बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ाना होगा क्योंकि आप लोगों ने भरोसा किया बहुत है बहुत अच्छे से सभी को गुड मॉर्निंग नमस्कार जय हिंद स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है तो वो कैबलरी की हमारी पांचवी क्लास है पहली क्लास तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास थी उसके बाद हमारी फोर्थ क्लास मतलब चार क्लासेस है वैसे जेनवनली लेकिन हम सारी की सारी क्लासेस को काउंट करके चल रहे हैं जिससे कि कभी एक स्टूडेंट को देखने में बाद में प्रॉब्लम ना हो क्लासेस को ठीक है हाँ तो शुरू करेंगे पहली क्लास कोई बड़ी ज्यादा बातें नहीं करेंगे सीधे सीधे अपने काम की बातें करेंगे ठीक है चलो तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एज यूज़ुअल जैसी हमारी क्लास रोजाना रहती है वैसी ही रहने वाली है ठीक है और इसमें मैंने आप लोगों को अच्छा एक बात बताओ कल की जो क्लास की मैंने पीडीएफ भेजी है वो आप लोगों को मिल गई और अगर मिल गई तो बताओ कैसी लगी अगर वैसी ही पीडीएफ चाहिए तो मैं फिर इस तरीके से आप लोगों को रोजाना पढ़ाऊंगा ठीक है एक बार कमेंट करके मुझे बता देना कि कल जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी वो बुकैब वाली वो इस तरह की भेजी थी कि मैंने इसमें नो एनिमेशन कोई भी एनिमेशन मतलब अपनी सारी की सारी चीज़ें छिपा ली अपने प्लेजेंट को दबा के आप लोगों की खुशियों के बारे में सोचा क्योंकि मुझे मजा आता है एनिमेशन के साथ पढ़ाने में फिर मैंने आप लोगों को पीडीएफ से पढ़ाना शुरू कर दिया जिसमें क्वालिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है ठीक है तो इस तरह से अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो इसमें क्या है जो भी लिखूंगा उसको मैं सेव करके आपको फॉर्मेट में भेज देता हूँ अगर वो आपको चाहिए वो अच्छी लगी है तो फिर मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ ठीक है बता देना चलो शुरू करते हैं पहला ही वर्ड आज की क्लास का हमारा और कभी भी मैं आपको एक और चीज बता दू कभी भी अपनी एप्लीकेशन की क्लास को कभी भी हमेशा के लिए बता रहा हूं यूट्यूब से कंपेयर मत करना YouTube की क्लास में हम ऐसे पढ़ाते हैं YouTube कभी नहीं ऐसे कभी कंपेयर नहीं करना अच्छे बच्चों की तरफ अच्छे स्टूडेंट का एक परिचय देना क्यों क्योंकि हमें ज्यादा पता है अगर मुझे आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेशल नहीं देना होता या मैं आप लोगों को एक ऑरियंटेड मैटर नहीं देता या मैं आपको ओरियंटेशन के साथ पढ़ाता नहीं तो उसके लिए मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत पे नहीं करता मैं आपको YouTube पर ही फ्री में पढ़ाता रहता और अगर आपको यकीन ना हो कि आप सर यहाँ पर कैसे पढ़ाते हैं वहां पर कैसे पढ़ाते हैं तो फिर आप में भी इतनी समझदारी है कि आप भी यूट्यूब से पढ़ सकते थे फिर फिर आप यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती तो कभी भी कंपेयर मत करना एक चीज मेरे अंदर है कि मैं चाहे यूट्यूब पर पढ़ाऊँ या एप्लीकेशन पर पढ़ाता हूं, मैं सही हूँ ओरिएंटेड हूँ चाहे मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा तो यूट्यूब पर भी अच्छे से पढ़ाता हूँ सब कुछ बढ़िया ओरिएंटेड और यहां पर भी मैं पढ़ाता हूं तो यहां पर ओरिएंटेड ही पढ़ाता हूँ कभी भी कंपेयर मत करना हाँ एक दो चीजें बदल जाती हैं जैसे कि स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाएगी चीजें जो है नंबर बढ़ जाएंगी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वहां पर मैं पांच बुक कराता हूँ या दस बुक करा रहा हूं ठीक है और अच्छे अच्छे बुक है वारंटेड सब कुछ बढ़िया रहता है लेकिन कंपेयर मत क्या करो क्योंकि देखो भाई वो भी यूट्यूब वाले बच्चे भी है वो भी किसी ना किसी उम्मीद में रहते हैं अगर आप भी मेरी कभी ना कभी वीडियो देखते होंगे तो आपको भी थोड़ा बहुत लगता था कि यार चलो पेड़ कोर्स लेने से बढ़िया हम यूट्यूब पर पढ़ लें तो यूट्यूब पर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ नो डाउट सही पढ़ाता हूँ रेगुलर पढ़ाता हूँ नो डाउट लेकिन कभी कंपेयर मत क्या करो आपको सेपरेट इनवायरमेंट मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी ली है आपको अच्छे से सिखाने की जिम्मेदारी ली तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा ठीक है सर पीडीएफ नहीं आया पीडीएफ नहीं आया अभी तक आपके पास पीडीएफ मैंने अपलोड तो किया है कल की की क्लास की पीडीएफ की बात कर रहा हूं चलो सबसे पहला ही वर्ड है प्रूडेंट ठीक है इसमें से दो वर्ड निकालेंगे एक तो होता है प्रूडेंट जिसको हम लोग एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं मेरे भाई एडजेक्टिव की तरह और एक होता है प्रूडेंस प्रूडेंस लिख लेना यहां पर ठीक है एक वर्ड लिखना प्रूडेंस एक होता है प्रूडेंट और एक होता है प्रूडेंस ये होता है आपका नाउन प्रूडेंस क्या होता है मेरे प्यारे साथियों हो, ये होता है नाउन और प्रूडेंट होता है एडजेक्टिव प्रूडेंट का हिंदी में मतलब होता है समझदार जब कोई व्यक्ति ज्यादा समझदार होता है उसको प्रूडेंट कहते हैं और इसका मतलब होता है समझदारी इसका मतलब क्या होता है समझदारी जब किसी भी व्यक्ति के अंदर समझदारी होती है तो उसको प्रूडेंस बोला जाता है और जब कोई व्यक्ति समझदार होता है तो उसको प्रूडेंट बोला जाता है जैसे इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट क्या होता है होशियार और इंटेलिजेंस होता है होशियारी समझ रहे हो ना आ, wise होता है, या समझदार, जानते हो, और यहां है समझदारी उसके अंदर भरी है सेंसिबल है तो ये सारे के सारे क्या है कॉमन बर्ड्स है बट इंपोर्टेंट है ध्यान से सुनना केयरफुल कॉमन बर्ड है बहुत ज्यादा इससे उम्मीदा नहीं है एग्जाम में लेकिन फिर भी आप यूँ कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं तो कम से कम डेली लाइफ में तो काम आएगी लेकिन उसके बाद कॉशियस भी लगभग सेवेंटी परसेंट तक आप बोल सकते हैं कि इसका थोड़ा बहुत यूज होता है लेकिन जुडिशियस है या फिर प्रूडेंस है या फिर प्रूडेंट है इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनको थोड़ा सा आप लोग सीरियस लिया करो ठीक है और सीरियस ही लेना है ऐसे ही एक और वर्ड है आप लोगों का जैसे इम्प्रूडेंट है प्रूडेंट का उल्टा कर दिया इम्प्रूडेंट ठीक है तो इम्प्रूडेंट जो वर्ड होगा ना ये क्या हो जाएगा मैंने आपको ट्रिक वाली वोकैबुलरी का सीन पहले भी बताया था कि मैं आपको ओरिएंटेड वर्ड देने की कोशिश करता हूँ ठीक तो है तो ओरिएंटेड वर्ड देने हैं मुझे लगातार आपको क्लास देनी है भरमार देनी है बहुत सारे जो है वर्ड्स कराने हैं आपको भी तो पता है ना सीजियल छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती तो बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन हमें चाहिए जब बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन चाहिए तो ऑब्वियसली उन सब के लिए निमोनिक्स तैयार नहीं हो पाते हैं ठीक है यूट्यूब पर मैं पांच ही वर्ड देता हूं या पांच फॉर्मेट बना के देता हूं तो उनके लिए जो है की बनाना पॉसिबल भी होता है ठीक है तो यहाँ पर जो है जरूरी नहीं है बस आप मेरे पर ट्रस्ट करो सारी की सारी वोकैबलरी जितनी भी मैं यहां पर आपके लिए लेके आ रहा हूं वोकैब्लरी दैट मैटर्स ऐसी वोकैब जो मैटर करती है सिर्फ वही डिस्कस कर रहे हैं ठीक है तो कभी भी अपना जो है अलग से दिमाग मत लगाना प्रूडेंट का उल्टा हो गया फूलिस हो गया मूर्ख आप इसके आगे लिख लेना ना समझ इसका हिंदी में मतलब लिख लेना ना समझ ठीक है एक ऐसा व्यक्ति जो ना समझ है या फिर फूलिस है यानी कि मूर्ख है क्या है भैया मूर्ख है मूर्ख जब कोई व्यक्ति मूर्ख होता है तो उसको बोलते हैं फूलिस ठीक है या फिर केयरलेस है एकदम लापरवाह व्यक्ति जो अपनी बिल्कुल तो ध्यान नहीं देता है ठीक है अब बताओ इसको कैसे याद करना चाहोगे इसकी कोई ट्रिक बना सकते हो प्रूडेंट की प्रूडेंट पूरे दिन प्रूडेंट पूरे दिन ये काम करता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा समझदार व्यक्ति है पूरे दिन ये आपका क्या हो जाएगा ट्रिक हो जाएगी प्रूडेंट पूरे दिन इससे आप याद कर सकते हैं ठीक है थीके? ऐसे करके आप इस वर्ड को याद करोगे प्रूडेंट पूरे दिन प्रूडेंट पूरे दिन ये व्यक्ति पूरे दिन काम करता है इसीलिए समझदार है या फिर ये पूरे दिन व्यक्ति काम करता है क्योंकि ये समझदार है ठीक है ऐसे करके याद कर लेना इसकी यहाँ पर जो है लिखना चाहो देखो जगह नहीं है यहां पर लिख लेना ट्रिक तो का पूरा एक स्टोरी लिख लेना अगर लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है ज्यादा टाइम निकल जाता है इसीलिए मैं नहीं लिखता ठीक है हाँ तो यहाँ पर लिख लेना ये व्यक्ति पूरे दिन काम करता है वह पूरे दिन काम करता है या फिर ऐसे समझ लो फालतू में ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा मैं बोल दे रहा हूं वह व्यक्ति पूरे दिन काम करता है इसीलिए वो समझदार है ऐसे भी याद कर सकते हैं या यह व्यक्ति पूरे दिन काम करता है क्योंकि वो समझदार है ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट एक और वर्ड है स्वैप बहुत प्यारा वर्ड है कई बार पूछा गया है स्वैप वर्ड और आप भी जानते हैं स्वैप करना क्या होता है वो एक स्वैप उस उस तरह से भी यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को स्वैप करना ऐसे करके है ना और एक होता है नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज कर सकते हैं इसको स्वैप वर्ड को स्वैप का स्पेशली देखो आप लोग देख रहे होंगे ये पिक्चर्स किस लिए लगाए हैं देखो पिक्चर्स भी तो इसीलिए लगाए हैं आप एक पिक्चर को देख के समझ जाओगे कि यहाँ पर ये जो व्यक्ति है इसके पैरों में पड़ा हुआ है क्योंकि ये व्यक्ति समझदार होगा प्रूडेंस होगा बहुत ज्यादा ऐसे ही यहाँ पर देखो एक व्यक्ति एक हाथ से कुछ ले रहा है और एक व्यक्ति एक हाथ से कुछ दे रहा है ऐसे ही सेव इधर हो रहा है ये कुछ दे रहा भी है ले रहा है मतलब एक चीज दे रहा है एक चीज ले रहा है आपने मुझे पैसे दिए मैंने आपको कोर्स दिया <laughs> समझ रहे हो तो ऐसे करके कोई चीज लेते हैं और देते हैं अदला बदली अब किसी चीज की होती है ना तो उसको बोलते हैं क्या उसको बोलते हैं स्वैप करना किसी भी चीज को स्वैप करने का मतलब है कि एक चीज दी दूसरी चीज ली देते हैं लेते हैं अदला बदली जब किसी चीज की होती है ना उसको बोलते हैं स्वैप ठीक है द एक्ट ऑफ गिविंग और टेकिंग वन थिंग इन रिटर्न रिटर्न फॉर अनादर मतलब कोई दूसरी चीज देकर के आपने कोई दूसरी चीज ले ली है तो उसको बोलते हैं ट्रेड करना आप लोग जानते हैं ना ट्रेड करते हैं ट्रेडिंग जो मार्केट है हमारा ट्रेड मार्केट जो था उसमें हम लोग ट्रेड करते हैं कि भाई हम पैसे लगाएंगे हमें ये चीज मिलनी चाहिए प्रॉफिट मिलना चाहिए तो ट्रेड करना होता है अदला बदली ठीक है स्विच करना यहाँ से स्विच करके उधर पहुंच गए उधर से स्विच करके किसी चीज को चेंज करना एक्सचेंज करना सारे के सारे कॉमन वर्ड्स हैं आई होप के आपको याद हो जाना चाहिए ठीक है ट्रेड हो गया स्विच हो गया चेंज हो गया एक्सचेंज हो गया फोकस किसी भी एक चीज पर फोकस करते रहना अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई में बहुत ज्यादा ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट भी खराब हुए इसी चक्कर में मैंने बताया अपन लोगों के रिलेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इवन फ्यूचर ही बर्बाद सा हो गया उनका मतलब पहले वो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं फिर एसएससी में कूद गए फिर आई एस पी एस एस बनने निकल गए एक जीवन में एक स्टूडेंट के जीवन में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि उसको पहले इस काम के लिए लगा दो उसको इस काम के ऐसा कभी नहीं करना है कभी भी नहीं अगर आपने सोच लिया एस मतलब एस अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो कर लो कोई इशू नहीं लेकिन फिर उसी पर रहो उसको सफिशियंट टाइम देना होता है जैसे मान लो अगर एसएससी की तैयारी की तैयारी करें तो उसको हम तीन से चार साल चाहिए आपको अच्छे से पढ़ने के लिए अगर आप दो साल पढ़ने के बाद फिर आप स्विच कर लेते हो दो साल उधर सब जगह बढ़ जाओगे काम खत्म ठीक है बहुत बढ़िया स्वैप तो अदला बदली किसी भी चीज को देना या लेना किसी दूसरी चीज के बदले में ट्रेड करना स्विच करना चेंज करना एक्सचेंज करना फोकस एक ही चीज पर करना और ये आपके लिए मोटिवेटेड भी मोटिवेशन भी है कि आपको एक ही चीज पे स्टेबलिस रहना है अगर एस एस सी तो फिर एस एस सी की तैयारी में जुट जाओ चाहे कुछ भी हो जाए जब तक नहीं मिल जाती अगर स्विच करने का मन करे तो कंप्लीटली स्विच करना फिर के सपने मत देखना फिर किसी दूसरी चीज पे पूरा फोकस करना उसको पूरा टाइम देना तभी चीजें हाथ लगती है वरना सब खत्म हो जाएगा आप देख रहे हैं छोटे छोटे से कुट्टु -कुट्टु से कुट्टू कुट्टू बच्चे खड़े हुए लेकिन ये कौन से बच्चे पता है जो सन्यासी हो जाते हैं शुरुआत में ही सन्यास ले लेते हैं नौ से किया अभी इनको क्या है कि एक गुरुकुल में डाल दिया गया छोटे छोटे बच्चों को पहले होता था नाम लखन टाइप छोटे छोटे क्यूटी क्यूटी से दो बच्चों को ले जाकर के गुरुकुल में छोड़ दिया इनको पालो पोसो इनको विद्वान बनाओ तो ये नए नए बच्चे आए हैं अभी तो नोविस का मतलब होता है नोट सिखिया मेरे प्यारे चोर बोलो थोड़ा ध्यान देना नोविस का मतलब क्या होता है ये आपका एडजेक्टिव की तरह जब कोई व्यक्ति मार्केट में नया नया आता है जैसे मान लो अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है ऐसा बहुत सारे हैं जो की जितने लोगों के मेरे पास कॉल आए थे सबका मैंने सुना था कि ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जो एकदम फ्रेश है मतलब अभी अभी आए मार्केट में अभी अभी तैयारी करना शुरू करी उन्होंने तो उनको बोलेंगे कि ये सारे के सारे लोग कैसे हैं नौ से क्या हैं मतलब नोविस हैं नए हैं एकदम बिगिनर हैं कैसे हैं भाई बिगिनर हैं अभी इन्होंने शुरुआत की है चीजों की तो इनको हम बोलेंगे बिगिनर ठीक है एक होता है नियोफाइट नियोफाइट का मतलब क्या होता है बताइएगा नियोफाइट हो गया नियो कमर हो गया नियोफाइट बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एक तो नियोफाइट और एक न्यू कमर ये इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों के दोनों दोनों ही याद कर ये वाला वर्ड भी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूकमर न्योफाइट और न्यूकमर न्योफाइट और न्यूकमर रिपीट करते रहना बार बार बोलते रहना ताकि आप लोगों को ये वर्ड्स याद रहे नोविस ठीक है एक व्यक्ति कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को एक बार जरा चेक कर लो सभी लोग मुझे ऑडियो वॉडियो का क्लियरेंस दे दो का मतलब होता है नौ सिखिया अब आती है बात प्रोफेशनल की जैसे अगर हम बात करें कि अनिल जादव सर से पढ़ना लग तो रहा है कि नौसिखिया होंगे लेकिन कुछ लोगों की आंखें दंग रह गई आप लोगों की बात नहीं कर रहा कुछ थे हमारे अपोजिशन वो कह रहे कि ये तो कुछ नहीं है जो तो बच्चा है है ना ये क्या है कुछ नहीं है पता नहीं क्या समझते लोग <laughs> तो उनको नहीं पता है कि हम प्रोफेशनल्स हैं पता है हमने पांच साल टीचिंग में बिताया है मैं पिछले साढ़े चार मतलब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ तो जो एक एक्सपीरियंसड लोग हैं ना वो अपने आप को महाराजा समझ रहे कि अनिल जाधव है एक वो है उसको बहुत जरूरत है चीज़ों की भाई क्यों मैंने अपने स्टूडेंट्स को पूरा टाइम दिया और उन्होंने मेरे पूरे ट्रस्ट दिखाया ये सिर्फ ऑनलाइन का तो अभी खेल शुरू हुआ है इससे पहले हमने ऑफलाइन में भी तीन तीन चार साल गुजारे तीन साल मैंने फर्स्ट ईयर से पढ़ाना शुरू कर दिया चीजें गलत भी हुई चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी हुई सब कुछ देखा लेकिन वो एक हकीबत जब जुनून होता है एक पढ़ाने के पीछे एक रीज़न है वो हम आगे चल के कभी डिस्कस करेंगे जब खुद की पर्सनल लाइफ का कुछ कभी डिस्कशन होगा तब ठीक है कि पढ़ाने के पीछे क्या रीज़न है पढ़ाई क्यों अच्छी लगती है मतलब ये टीचिंग क्यों अच्छी लगती है उसके पीछे एक रीज़न है एक सपना जुड़ा हुआ है मेरा एक मेरा सपना है एक लाइफ का सपना है अल्टीमेट गोल है उसको अचीव करने का रीज़न जुड़ा हुआ है टीचिंग से तो वो मुझे पूरा करना है इस वजह से मैंने टीचिंग शुरू की है और ये भगवान का शुक्र है कि ऑनलाइन सिस्टम बहुत अच्छे से जो है जो है पकड़ गया है हमारे देश में तो ऑनलाइन टीचिंग का रोल बहुत अच्छा कर रहा है बहुत अच्छी चीज है घर घर जो है वो पहुंच रही तो अब मेरा जो गोल है वो भी और ज्यादा आसान हो जाएगा समय तो आने पे मैं सारी चीजें बताऊंगा सभी लोगों के सामने जितने भी मेरे खुद के पर्सनल स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं उनको तो मैं अच्छे से ही बताऊंगा सब चीजें तो ये आपका नोविस हो जाएगा न्यूफाइट हो जाएगा न्यू कमर हो जाएगा प्रोफेशनल और एक्सपर्ट ये क्या होते हैं प्रोफेशनल मतलब एकदम एक्सपर्ट कोई व्यक्ति है जैसे एकदम है ना अब ये बच्चों को देख रहे होंगे ये महंत बन गए हैं है ना लेकिन ये अभी नए नए आए हैं अभी मार्केट में नए नए आए तो इनको बोलेंगे कि नए हैं इनको चीजें सिखानी पड़ेंगी ठीक है तो उम्मीद है कि ये वाला थर्ड वाला फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ जाएगा देखो आजकल कल और रीबुक में कोई फर्क नहीं रहा है ना बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो सारी की सारी आप लोगों को पता ही है उनकी कॉपी आ गई है तो ऐसे ही देखो दो जूते रखे हुए हैं और जूतों का बड़ा कर्रा क्रेज चल रहा है बहुत ही अच्छे से क्रेज चल रहा है तो वहां पर क्या होता है चीजें नकली और असली में फर्क पता करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है है ना तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक जूता ये रखा है एक, एक रियल है और एक फेक है दोनों में फर्क तो कोई नजर आ नहीं रहा है है ना तो ऐसे ही हमारे साथ चीजें होती हैं ठीक है ऐसी ही चीजें होती है हमारे साथ काउंटर फीट बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है मैंने इससे पहले भी बताया था कल परसों ही काउंटर इंसेंटिव बर्ड बताया था कल कल की क्लास में काउंटर इंसेंटिव बताया था कि काउंटर इंसेंटिव का मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी भी इंसेंटिव को रोकता है किसी की प्रगति को रोकता है मतलब कहने का किसी को आगे बढ़ने से रोकता है तो उसको भी बोलते हैं हम लोग क्या कि काउंटर इंसेंटिव कर रहा है इस व्यक्ति के इंसेंटिव को रोक रोक रहा रहा है 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 इसकी जो प्रोग्रेस है उसको रोक रहा है। और काउंटर फिट होता है इसकी भी ट्रिक बनाएंगे अभी। इसकी भी भी ट्रिक ट्रिक बनाएंगे बनाएंगे अभी एक याद करने के लिए इससे पहले वाले वर्ड की भी बनाई थी क्या हमने स्वैप की तो स्वैप 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 मशीन की अदला बदली ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं उम्मीद है अच्छे से याद हो जाएगा नोविस 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 को भी याद कर सकते हैं नोविस विस को ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इतना समझ लो इसकी कोई ट्रिक बन नहीं पा रही है ठीक है अगर किसी वर्ड की बनती है तो मैं बना देता हूँ नोविस को भी याद कर सकते हैं नो विस मेरी कोई इच्छा नहीं है क्योंकि मैं नया आया हूँ नो ऐसे की याद कर सकते हैं नो विश मेरी कोई इच्छा नहीं है क्योंकि मैं अभी नया आया हूँ मार्केट में ठीक है तो नो विश हो जाएगा मेरी नो विश मेरी कोई इच्छा नहीं है क्योंकि मैं अभी नो सीखिया हूँ या इसकी कोई इच्छा नहीं है ये अभी नौ सीखिया काउंटर फीट को याद कर सकते हैं काउंटर पर बैठे लोग काउंटर पर बैठे लोग बैठे लोग जाली हैं आपने देखा होगा जब आप किसी कोचिंग सेंटर में जाओगे या किसी भी कंपनी में जाओगे रिसेप्शन मिलता है स्टार्टिंग में चमकता दमकता एकदम बढ़िया किसी होटल में जाना रिसेप्शन एकदम बढ़िया जाएगा कमरे में जाओगे पूरी दीवारे खराब हो रहे होंगे ठीक है ऐसा होता है ऐसे किसी कोचिंग सेंटर में जाओगे रिसेप्शनिस्ट बैठे होंगे एकदम बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लड़कियां बिठा देते हैं वो ठीक है और बढ़िया से बात करेंगे सब सब बातें करेंगे बड़ी बड़ी बातें करेंगे अरे इवन आप लोग यूट्यूब पर देख लो ठीक है बहुत सारी चीज़ें लोग बातें करते हैं होता कुछ है दिखाते कुछ है समझ रहे हो ना बहुत सारी चीज़ें फेकनेस चल रही है थमलिल पर कुछ और दिखा देंगे अंदर जाके देखोगे कुछ और मिलेगा वही होता है कि जब आप रिसेप्शन पे जाओगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ बढ़िया बढ़िया बताएंगे अच्छा देखने में सब लगेगा कि हाँ यार ये तो बढ़िया है लेकिन जैसे ही काउंटर के अंदर क्लास ल्लास लेने जाते हैं तो फिर वो फीस रिफंड भी नहीं करते हैं ऐसे फंसा देते हैं आपको मना कर देते हैं फीस रिफंड नहीं होगा तो ऐसा अक्सर कोचिंग सेंटर्स में होता है ठीक है जहाँ मैं पढ़ाता था पहले इससे पहले नाम तो नहीं लूँगा समझ तो गए होंगे तो वहाँ पर ऐसा ही होता था मतलब कि लोग ट्रस्ट कर लेते हैं स्टूडेंट जो है इनसे पहले नहीं मतलब बहुत पहले ऑफलाइन की बात है ऑनलाइन का तो मेरे किसी से कोई कोई मतलब नहीं है मैं किसी के बारे में क्या ही कुछ कुछ, कुछ नहीं बोलता मेरे साथ किसी ने कुछ सच बात तो यही है कि मेरे साथ सारे अच्छे लोग मिले मेरे साथ किसी ने कुछ गलत नहीं किया ठीक है लेकिन मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं ठीक है थीके? तो नकली हो गया जालसाजी हो गया जैसे कोई फेक चीज़ है तो उसको बोल सकते हैं ये तो काउंटर है भाई बिल्कुल फेक है ये बिल्कुल फेक है है ना आप देख सकते हैं जैसे फाल्स हो गया सेम हो गया बोगस बहुत अच्छा वर्ड है बोगस रिपीट करते रहना बार बार कमेंट बॉक्स में डालते रहना ताकि आप लोगों को दिमाग में और पेन और कॉपी देखो एक तरीका बता दूं पेन और कॉपी लेके बैठा करो कॉपी में तो नोट्स बनाया करो हर एक बुक कैप की क्लास के मैं बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ सबको ब्लॉक कर दूंगा अगर जिसने नोट्स नहीं बनाए क्योंकि मेरी क्लास में पढ़ने का मतलब है कि आपको नोट्स तो बनाने पड़ेंगे भाई सेम हो गया मैं सारी की सारी चीजें दे दूंगा जो चाहिए आपको जैसी पीडीएफ वैसी दे दूंगा लेकिन नोट्स तो बनाने पड़ेंगे फाल्स और सेम ये तो हो गए कॉमन बट लेकिन बोगस जो है वो इंपॉर्टेंट वर्ड है ठीक है एक जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं काउंटर तो है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिक मैंने बता दिया काउंटर पर बैठे लोग कैसे हैं जाली है जाली है यानी कि नकली है ऐसे करके याद कर सकते हैं एक होता है रियल अगर कोई व्यक्ति रियल है तो आप उसको क्या बोलोगे ये दबाई रियल है ये सच्चा है कैसा है भाई सच्चा है अच्छा है बच्चा है ठीक है ट्रू है एक्चुअल है जेनुइन है सारे के सारे कॉमन वर्ड्स हैं एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको याद ना हो जेनुइन वर्ड आप लोगों को याद करना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया वर्ड है जेनुइन दो बार पूछा जा चुका है भले ही हम लोगों की जुबान पर है जेनुइन वर्ड लेकिन ये याद होना चाहिए फिर भी चलो तो उम्मीद है कि ये थर्ड फोर्थ वाला फॉर्मेट भी आपको समझ में आ गया होगा अब आते हैं एबस्टेन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एबस्टेन हो गया और इसके साथ में जितने भी सिनोनिम्स हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जितने भी सिनोनिम्स हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है मैं अभी इसकी ट्रिक भी बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा देखो जो आपका रिफ्रेन वर्ड है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट एस जो वर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे वर्ड एक भी वर्ड को लाइटली देखो पिक्चर से समझने की कोशिश करेंगे अगर आपका दोस्त है उसके यहाँ पार्टी हो रही है और वो आपसे कह रहे हैं चल दारू पी ले अरे कुछ नहीं होता पी ले थोड़ा सा थोड़ा ऐसे ऐसा कड़वा लगेगा बस पी ले तो जब वो दारू पिलाएंगे आपको तो आप कहोगे कि यार नहीं नो no. मैं नहीं पीऊंगा फिर वो जबस्ती करेंगे कसम खिलाएंगे कुछ भी करेंगे आप बनेंगे नहीं? नहीं मैं नहीं पीऊंगा मैं नहीं पीता मतलब मैं नहीं पीऊंगा सब लोग आपको कह रहे हैं दारू पी ले भाई दारू पी ले भाई आप कह रहे हैं नो मतलब कहने का यह है कि जब आप किसी भी चीज से दूर रहते हैं किसी भी चीज से दूर रहना या बचना किसी भी दूर किसी भी चीज से दूर रहना या बचना जब आप किसी से आंख चुरा जाते हैं बचते हैं बचना या दूर रहना ये होता है इसका मीनिंग रिफ्रेन का एब्स्टिन डिवार का, डिसिस्ट प्रोहिबिटेड ये वर्ड आते हैं इनके बाद में एक और चीज बताऊंगा रिपीट करते रहना सर हम जीएस के क्लास परचेज किए पर क्लास नहीं होता है डेली होता भी है तो मन मोजी तो भाई इसमें तो मेरी गलती नहीं है वो उनसे पूछो उनको कॉल करो दूसरे पर लोगों को उनका टेलीकॉलर नंबर है उन पर करो ठीक <laughs> है कोई बात नहीं हमारे यहाँ अगर कोई क्लास लॉन्च हो गई ना बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैथ्स की क्लास आ रही है आप लोग में से बता देना कि मैथ्स की क्लास किस किस को चाहिए मैथ्स की क्लास बहुत जल्दी आ रही है याद रखना और पहला बैच मैथ्स का हम लोग लाएंगे टू का उतने का ही जितने का इंग्लिश आया था ठीक है तो अगर किसी को भी पढ़ना हो तो 299 के लिए आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं अभी एक दो दिन में हम लोग लो स्टार्ट कर देंगे ठीक है कल परसों से तो 299 का आएगा ये 5 दिन तक रहेगा 5 दिन या चार दिन तक इसका ऑफर रहेगा ठीक है 5 दिन के बाद फिर से इसकी फीस भी उतनी हो जाएगी 599 मेरा मेरा एक मिशन है कि हर तरह का स्टूडेंट जो है जो है पढ़ पाए और उससे पहले ही कर लेना यार पाँच दिन में जब रजिस्ट्रेशन फुल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद लगता है कि नहीं यार ये बच्चे तो लापरवाही कर रहे हैं ठीक है कुछ लोग फिर बात के लिए बैठे रहते हैं कि नहीं बात तक चलता रहेगा तो अगर ये भी करना चाहो तो ये भी कर लेना बाकी जी एस का देखो हम कुछ नहीं कह सकते उन लोगों की तो हम नहीं कुछ कह सकते अभी आप फिलहाल इतना समझ लो कि जे जो वर्ड है रिफ्रेन और एब्सटेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब आप किसी भी चीज़ के लिए मना कर देते कि नहीं हमें ये चीज़ नहीं चाहिए ठीक है किसी किसी चीज से दूर रहना इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं जैसे अब स्टेन अब ट्रेन ट्रिक इसकी क्या हो सकती है देखो ट्रिक में यहां पर लिख देता हूं ट्रेन ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जब आप लोग खड़े होते हो तो ट्रेन से दूर रहते हो हमें ट्रेन से बच के रहना चाहिए हमें ट्रेन से हमें ट्रेन से बचना चाहिए दूर रहना चाहिए अरे बचना तो यहां लिखा है दूर रहना लिखना था इधर बचना या फिर दूर रहना ठीक है किसी चीज से जब दूर रहते हैं तो दूर रहना चाहिए क्योंकि ट्रेन आएगी पैर काट के चली जाएगी यहाँ पर लो, हमें ट्रेन से दूर रहना चाहिए ट्रेन ट्रेन, ट्रेन ट्रेन, आंख चुराना रिफ्रेन को भी ट्रेन से याद कर सकते हैं इसकी भी की जो है ट्रेन बन जाएगी अब ठीक है इसको भी ट्रेन से याद कर सकते हैं रिफ्रेन एब एस यू का मतलब भी यही होता है दूर रहना तो उम्मीद है कि आपको यह वाला फॉर्मेट समझ में आ जाएगा ठीक है जीएस चाहिए जीएस के लिए भी लाएंगे टेंशन मत लो नाम में क्या रखा है काम देखना <laughs> नाम भी अनाउंस कर देंगे यूट्यूब पे अनाउंस होगा उसके बाद में आराम से देख लेना ठीक है चलो वो दैट मैटर्स में एक और वर्ड है ग्रम्बल 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 आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं ताई वाई पहन के एकदम सजावट में रखा है लेकिन प्रॉब्लम इसकी जिंदगी में क्या है कि ये कभी भी शांत नहीं रह सकता चिड़चिड़ा रहा है कुछ ना कुछ बोलता रहेगा ऐसे लोग देखे आपने कले करते रहेंगे देखो इसकी फेस इधर देखो चिड़चिड़ाता जा रहा है हर बात में कुछ ना कुछ बोलता रहेगा बोलता रहेगा ऐसे लोगों को ही हम बोलते हैं ग्रम्बल ग्रम्बल मतलब होता है बड़बड़ाना कुछ ना कुछ बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना ठीक है देखो भाई जरा ग्रम्बल देखो चेक करके ग्रम्बल का मतलब क्या होता है ग्रम्बल मतलब होता है बड़बड़ाना ठीक है बड़बड़ाना होता है ग्रम्बल करना बड़बड़ाना किसी भी बात में देखो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे कंप्लेन अबाउट समथिंग इन अ बैड टेम्पर्ड बैड टेम्पर्ड मतलब खिसियाना होके मतलब गुस्से में कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहना कुछ ना कुछ, कुछ बोलते रहना उसको हम लोग बोलते हैं क्या ग्रम्बल क्या बोलते हैं ग्रम्बल ठीक है तो हम बोलते हैं ग्रम्बल बहुत अच्छा वर्ड है इसको भी याद करना भाई साहब ग्रंबल वर्ड को भी याद कर लीजिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रम्बल ग्रंबल मतलब बड़बड़ाना इसके ऊपर भी टिक करना मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है इंग्लिश मीनिंग आपको पता चल गया हिंदी मीनिंग भी आपको पता चल गया अब देखो इसके कुछ सिनोनिम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैसे कि मरमर हो गया ठीक है मरमर करना होता है ग्रोच ग्रोच मटर सबका मतलब मटर गस्ती मटर गस्ती से आप मटर को याद करते हैं ये मटर खाते खाते मटर कर रहा है मटर खाते खाते मटर कर रहा है मतलब बड़बड़ा रहा है मटर खाए जा रहा है बड़बड़ा जा रहा है ठीक है मुरमुरे खाते हुए मुरमुरे जानते ना कुरकुरे मुरमुरे वही तो मुरमुरे खाते खाते ये क्या कर रहा है बड़बड़ाए जा रहा है ग्रोच ग्रोच को आप अपने आप याद कर लेना ग्रोच मतलब यही होता है ग्रोच करना ग्रोच करना मतलब कुछ भी बोले जाना है ना उल्टा सीधा इस तरह से चीयर होता है चीयर मतलब एकदम हैप्पी खुश चीयर्स ऐसे करके बोल दें चीयर्स तो वो होता है प्रेज मतलब तारीफ करना अपलाउस करना प्रशंसा करना तारीफ करना इसका मतलब होता है प्रशंसा करना प्रशंसा करना तारीफ करना ठीक है मेरे भाई और चीयर होता है एकदम खुशमन खुशी मनाना बढ़िया तरीके से खुश रहना मस्त रहना जैसे मान लो ऑफिस में कुछ लोग होते हैं जो आपस में एक दूसरे से शिकायत करते हैं यार ये ऐसा हो गया मेरे साथ ऐसा हो गया मेरे साथ वैसा हो गया इनको बोलते हैं क्या ग्रम्बलिंग करता रहता है हर एक चीज के बारे में ये कंप्लेन करता रहता है ठीक है तो दैट्स मीनिंग ऑफ ग्रैम्बल ग्राम्बल इज यूज एज अ वर्ब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड द हिंदी मीनिंग ऑफ ग्रम्बल इज बट बढ़ाना एंड इंग्लिश मीनिंग ऑफ ग्रम्बल इज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग इन अ बैड टेम्पर कंप्लेनिंग कर लेना कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग ज़्यादा सही रहेगा कंप्लेन भी होता है तो टू कर लेना टू अबाउट समथिंग ठीक है ऐसे करके और सिनोनिम आपके पास हैं हैं आगे चलते हैं, नेक्स्ट ग्लूमी आप इस व्यक्ति के चेहरे को देखो जरा ऐसा लग रहा है इसको कुछ लॉस हुआ है ठीक है अगर कोई व्यक्ति है और वो ग्लूमी है तो वैसा फेस बना लेता है सर आप क्या कहोगे इस देश इस सक, इसकी शकल देख के आप कहोगे यार ये व्यक्ति को कुछ तो परेशानी है उदास हो गया ऐसे करके मुंह बना लिया इसने इसका मतलब है ये व्यक्ति कैसा है एकदम उदास है ये एकदम परेशान है उदास परेशान ग्लूमी की तरह यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है डल इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग दोनों आपके सामने हैं अब हम बात करते हैं मेलनकली ड्रेरी ग्लम ठीक है मेलनकली हो गया ड्रेरी हो गया ग्लम हो गया ठीक है भाई तो ये हो गया आपके क्या सारे के सारे सिनोनिम्स हो गए चेयरफुल मतलब होता है खुश एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एकदम खुश होता है हैप्पी एकदम हैप्पी ग्लूम ग्लूम ठीक है ग्लूम को कैसे याद करोगे इसके लिए कुछ ट्रिक बना सकते हो आप लोग बताओ ग्लूम को याद करने के लिए आप क्या बनाओगे ग्लूम 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 ग्लूमी 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 को कैसे याद करोगे यहां पर लिख लो ग्लूमी ग्लूमी याद ही नहीं हो रहा है कोई ट्रिक नहीं बन रही मैलन कली को तो आप बोल सकते हैं मेलन कली मेलन कली कली में से कर लो चोली ठीक है इसको याद कर सकते हैं चोली और मेलन मतलब मैली उसने मेरी चोली मैली कर दी चोली तो जानते हैं ना हाँ वही घूंगट टूंगट डालने वाला चोली ठीक है मेलन कली मैली चोली उसने चोली को मैला कर दिया इसीलिए वो उदास हो गया ग्लूमी को भी याद कर सकते हैं ग्लूमी चलो नहीं बन रहा है इसमें से जरूर जबस्ती मत करो बस यही है यही तरीका है यही चीज लगती है कि भाई जब किसी वर्ड का कोई कीवर्ड नहीं बन पा रहा है तो उसको याद करना ही लास्ट ऑप्शन बचता है और हर एक वर्ड की जो है ट्रिक पॉसिबल नहीं हो पाती है थोड़े वर्ड होते हैं तो ठीक है लेकिन ऑरियंटेड वर्ड की तो वोकैबलरी नहीं बनती है अगर आपको ट्रिक वाली वोकैबलरी चाहिएगी तो फिर मैं ट्रिक वाली ढूंढ के लाऊंगा चाहे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो वर्ड तो याद हो जाएंगे लेकिन वो आपके एग्जाम से रिलेट नहीं करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है ठीक है ना और फिर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो यूट्यूब पर तीन जो नौ बजे क्लास होती है यूट्यूब पर जो नौ बजे वाली क्लास होती है मैं उसको आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ ये क्लास देखा करो ये भी देखा करो वो भी देखा करो दोनों साथ साथ देखा करो आप ये समझो ही मत कि YouTube की फ्री क्लासेस हैं तो हमें जो है हमें यहाँ पर अलग से पढ़ा आप वो भी क्लास पढ़ा करो वो इंपॉर्टेंट है मैं आपसे बोलता हूँ और इसका लिंक मैंने आप लोगों के इस पे भी डाल रखा है हमारे एप्लीकेशन पर जाओगे ना एप्लीकेशन पर उसके ऑप्शन आ रहे हैं लिंक का ऑप्शन आता है लिंक पे चेक करना तो वहां पर आपको पूरी प्ले का लिंक पड़ा हुआ है आप वो क्लास देखा करो रोजाना ठीक है यूट्यूब वाली क्लास देखा करो ओके मैन ये वाली क्लास तो देखा करो यूट्यूब वाली नाइन एम वाली क्लास देखा करो सुबह उठ के उसमें वोकैबुलरी कराता हूँ ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट मैग्निफिकेंट का मतलब देख रहे ये घर बना हुआ है देखो ये घर कैसा है ये घर आपके सपनों का घर है ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं इनकम टैक्स की तैयारी ऐसा घर देख के करते हैं कि यार ऐसा घर बनवाना है तो इनकम टैक्स ज्वाइन करना ही पड़ेगा सीबीआई ज्वाइन करना पड़ेगा ठीक है ए आई एक्साइज इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा तभी आबकारी से पैसा आएगा उल्टा सीधा तभी कुछ हो सकता है वरना तो ऐसे घर तो सपने के सपने ही रह जाएंगे अगर नौकरी नहीं लगी तो ऐसा घर तो सपना ही सपना रह जाएगा भाई है ना तो इसको बोलते हैं दिस हाउस इज मैग्निफिकेंट मैग्निफिकेंट एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है मेरे प्यारे साथियों और इसका मतलब होता है एकदम भव्य शानदार सुंदर भव्य दमकता हुआ सुंदर चमकता हुआ देखा होगा आप लोगों ने स्प्लैंडेड बोलते हैं ना यार दिस हाउस इज स्प्लैंडेड गॉर्जियस एक्सलैंड मार्वलस ऐसे बोलते हैं दिस हाउस इज दिस पर्सन इज गॉर्जियस दिस हाउस दिस मूवी इज ग्लोरियस

लिख सकते हैं घिनौना या फिर बेकार या फिर बाहियाद। अन जब जब कोई चीज बिल्कुल अन होती है माउथ पर ग्लू चिपक जाती है तो उदास हो जाते हैं ठीक है भाई चंदन बहुत बढ़िया ऐसे याद कर लेना आप खुद से भी बना सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है आप किसी भी बर्ड को याद करने के लिए आप खुद की ट्रिक बनाइए किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है ऑफुल हो गया ड्रेडफुल हो गया अन हो गया ठीक है आपके एंटेम्स भी क्लियर हो जाएंगे भी बहुत अच्छे हैं। बस मेरी बातों पे यकीन करते रहना ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं एक्सीलेंट मावल गॉर्जियस मैग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट वर्ड उसके बाद में ऑफुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड ड्रेडफुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड अन तो कॉमन वर्ड है बनाया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है भाई हम्म hmm. चलो आगे चलते हैं नाइन्थ नंबर पे एक वर्ड लिखा हुआ रिगार्ड बोलते हैं ना रिगार्ड जब आप किसी को मैसेज लिखते हैं तो रिगार्ड बाय ऐसे करके लिख लिखा नीचे लिख देते हैं अपना नाम तो ये सम्मान दिया जा रहा है किसी के द्वारा ठीक है जब आप किसी को विश करते हैं इससे पहले वाला तो आपने पिक्चर देख लिया आप देख रहे हैं ये आपकी घर की बहू है और ये है माताश्री और ऐसा कलयुग में हो रहा है देखो भाई कलयुग में ऐसा हो रहा है लेकिन ये सिर्फ फोटो में ही हो रहा है रियलिटी में नहीं होता है ये माता श्री हैं घर की माता जी हैं और ये घर की बहू हैं और वो इतनी खुशी खुशी उनके पैर धुल रही हैं सेवा कर रही हैं ऐसा ठीक है मैग्नी मैग्निफिकेंटमेंट बोले हैं ट्रिक बनाया मेगा ने सेंट लगाई मजेदार वाह मैग्निफिकेंट को मेघना ने सेंट मेग्निफिकेंट को मेघना कर लो मेघना मेघा की जगह इसकी जगह लिख लो मेघना ठीक है ट्रिक याद करने की बहुत अच्छी बनाई है देखो ऐसे लिख सकते हैं मेघना मेघना एक लड़की का नाम है मेघना ने सेंट लगाई। सेंट लगाई लगाई है कैसी एकदम शानदार सेंट लगाई शानदार बहुत बढ़िया भाई वेरी गुड ऐसे करके याद कर लो ठीक है अब देख लो इनकी बात बहू और सास की बात देख लो ये उनको सम्मान दिया जा रहा है बहू के द्वारा सम्मान दिया जा रहा है किनको माता श्री को तो रिगार्ड गार्ड गार्ड हमेशा सम्मान देते हैं जब भी हम एंट्री करते हैं ना तो रिगार्ड को याद कर सकते हैं गार्ड ठीक है जो हमारे बिल्डिंग जो गार्ड साहब हैं गार्ड हमें सम्मान देते हैं सम्मान देते हैं गार्ड हमें सम्मान देते हैं ये आपका हो जाएगा रिगार्ड को याद करने का नाउन सम्मान हो गया रिस्पेक्ट हो गया एप्रीशिएशन अप्रीशिएट करना होता है सम्मान देना और एप्रिशिएशन होता है सम्मान एडमायर होता है सम्मान करना इज्जत करना और एडमरेशन होता है सम्मान या प्रशंसा ठीक है तो एडमरेशन और एप्रीशियेशन जब टी ओ एन लिखा होता है लास्ट में तो ये नाउन का, का काम करते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि नाउन और एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है आगे चल के सब कुछ बताऊंगा एक होता है डिसरिगार्ड आप इसको बोल सकते हैं डिसरिगार्ड या डिसरिस्पेक्ट डिसरिगार्ड या डिसरिस्पेक्ट ठीक है ठीक है भाई चलो हाँ तो आगे चलते हैं ये तो नाइन्थ वाला वर्ड भी आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए ठीक है तो उम्मीद है आप लोगों को सारे के सारे वर्ड समझ में आ रहे हैं जल्दी से एक बार बताना यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई बताओ जल्दी फटाफट एक और वर्ड देख लेते हैं ये लड़की बैठी है जमीन पर लेकिन ये जमीन कैसी है जरा चेक करके बता सकते हैं ऐसा लग रहा है ये जमीन को सालों से पानी नहीं मिला है बैरीन ठीक है तो आप बोल सकते हैं ये जो जगह है कैसी है एकदम तो बैरीन है बंजर है ठीक है कैसी है बंजर है तो बैरीन 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 ठीक है इसकी ट्रिक बनाएंगे देखते हैं फिलहाल अभी इतना समझ लो कि इसका मतलब होता है बंजर ठीक है इसके कुछ एंटनिम्स देख लो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है याद रखना बैरीन और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्टोराइल का मतलब होता है कोई ऐसी जमीन ये स्पेशली लेडीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ऐसी लेडीज जो बांझ होती हैं जिनके संतान नहीं होती है उनके लिए भी एक एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं हम लोग क्या बैरिन ठीक है हम्म तो स्टराइल हो गया एक एरिड हो गया एरिड मतलब एकदम सूखा एकदम बंजर अनफ्रूटफुल हो गया और अनप्रोडक्टिव भी हो जाता है अनप्रोडक्टिव भी लिख सकते हो ठीक है अनप्रोडक्टिव जब कोई चीज ऐसी होती है जो प्रोडक्टिव नहीं होती है प्रोडक्टिव मतलब लाभदायक नहीं होती है या फिर वो फ्रूटफुल नहीं होती है जिस पर कोई फल नहीं या फिर कोई आ, क्या बोलते हैं प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव जानते हैं ना तो अनफ्रूटफुल भी हो जाएगा स्टराइल भी हो जाएगा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है याद रखने सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एक भी वर्ड फालतू तो नहीं है यहां पर मैं सबके लिए लिख देता हूँ सारे के सारे सिनोनिम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट सारे के सारे वर्ड्स के लिए है स्टोराइल के लिए भी एरिड के लिए भी अनफ्रूटफुल के लिए भी और अनप्रोडक्टिव के लिए भी एक होता है फर्टाइल फर्टाइल जमीन जानते होंगे ये फर्टाइल जमीन है लस हरी भरी ठीक है हरी भरी जमीन होती है ना हरी भरी हरी भरी जमीन होती है या फिर आप बोल सकते हैं प्रोडक्टिव लाभदायक बंजर बंजर का उल्टा क्या होता है फर्टाइल हो गया फर्टाइल को बोलते हैं कुछ बोलते हैं मैं भूल रहा हूँ अरे वो जमीन जो होती है उपजाऊ क्या लिखोगे उपजाऊ ठीक है भाई ये जमीन होती है उपजाऊ, बात समझ गए ना हम्म बहुत बढ़िया बरीन बाल ग्रीन एक भाईजान बनाया कि बंजर जमीन पे बाल ग्रीन हो गए ठीक है आप अप अपने हिसाब से बना लेना है कुछ भी लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि बैरिन बर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके जो सिनोनिम्स यहां पर लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैसे कि एक तो हो गया फर्टाइल और सॉरी स्टोराइल इनफर्टाइल और इनफर्टाइल ऊपर तो लिखी गया यहाँ पर इंग्लिश मीनिंग में अराइड हो गया सूखा एरिड भी बोलते हैं इसको एरिड बोलते हैं वैसे एरिड होता है अनफ्रूटफुल होता है और अनप्रोडक्टिव होता है कोई भी चीज जो प्रोडक्टिव नहीं है स्टोराइल है ठीक है और अनफ्रूटफुल है उसको आप बैरिन बोलोगे बंजर बोलोगे और अगर कोई चीज फर्टाइल फर्टाइल है प्रोडक्टिव है लुस है ग्रीनरी है हरी भरी है तो आप उसको क्या बोलोगे आप उसको उपजाऊ बोलोगे हरी भरी जमीन बोलोगे ठीक है तो आई होप कि आपको सारे के सारे बहुत बढ़िया तरीके से वर्ड्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे और आज की जो क्लास है वो यहीं तक समाप्त होती है बाकी आप सभी लोग जानते हैं मैथ्स की क्लास भी आ जाएगी ठीक है और ये वो कैब क्लास ऐसे ही चलेगी जब तक 200 वर्ड से भी ज़्यादा और एक हजार वर्ड आप लोगों को मैं प्रोवाइड नहीं करा देता वो भी ओरिएंटेड वर्ड्स ठीक है तो आज की क्लास को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच जय हिंद नमस्कार एंड टेक केयर बाय बाय